कोविड महामारी के दौरान भर्ती किए गए संविदा पर स्वास्थ्य कर्मी अब अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं और यही कारण है कि आज स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के ठीक सामने आप देखिए बड़ी संख्या में तमाम कर्मचारी जो हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी सेवाएं जो कि अब खत्म कर दी गई हैं उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। लगातार इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी थी और ऐसे 5000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने इन सेवाओं को दिया था, लेकिन आज अपनी इस समायोजन को लेकर के ये मांग कर रहे हैं। हाथों में आप देखिए किस तरीके से पोस्टर लिए हैं, बाकायदा सीएम के ट्वीट को भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में कार्य करने वाले कर्मियों का सेवा भाव प्रेरणास्पद है, इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि थाली ताली का सम्मान, बेरोजगारी का अपमान, ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। और ये आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी जिनको चिकित्सा सेवा का सम्मान भी दिया गया आज अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, समायोजन की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस आधार पर ये खत्म की गई सेवाएँ क्यों आप चाह रहे हैं और आपको क्या लगता है क्या एक तरीके से आप लोगों को दरकिनार कर दिया गया सेवा के बाद? जी हम 2020 से लगे हैं थोड़ा पीछे और हम ये चाहते हैं कि हमारी 31 तारीख को हमको घर में बैठा दिया है। हम चाहते हैं हमारी सेवाएं जारी कर दी, हमको एनएचएम से समायोजन चाहिए बस। 31 से खत्म कर दिया, 31 से हम घर में बैठे, हम 4 साल से योगदान दे रहे हैं कोविड में, जब इतनी बीमारियां थी तो हम लोगों ने इनकी सेवा की थी, हमने देश को बचाया, हमने अपने हाथों से 200-250 लाशों को निकाला है, ठीक है। जब किसी ने नहीं अपनाया था तो हम लोगों ने उनको गले लगाया था कोरोना में, ठीक है, और आज हमको बाहर निकाल के फेंक दिया है। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है, आपको लगता है कि बहुत जरूरी है आप जैसे परिवारों के लिए? ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का समायोजन कराया जाए। जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय हमारे बच्चे जो थे, हमने तुरंत हमारी डिलीवरी हुई थी और 3 महीने का बच्चा हम छोड़ करके और कोरोना वाले को हम छूते थे, उनको उनका ट्रीटमेंट करते थे और उसके साथ साथ में हमने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, अपने घर परिवार वालों को भी छोड़ दिया और मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, उस कंडीशन में हम काम करते रहे। आश्वासन दिया गया, क्या आपको विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कुछ आश्वासन? नहीं, हम लोगों को बस ये बोला जाता है कि समायोजन हो जाएगा। अभी तक हम लोगों को 22 दिन हो चुके हैं पर अभी तक कोई लेटर भी जारी नहीं हुआ कि हम लोगों का समायोजन हो जाएगा, बस आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा। आर्थिक स्थिति क्या है घर की, अब चूंकि अब आपकी तनख्वाह नहीं आएगी तो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे फादर है नहीं, मेरी छोटी सिस्टर है, भाई है, मैं ही अकेली जॉब करने के लिए थी, उसके बाद अब कोई भी नहीं है। तमाम स्वास्थ्यकर्मी आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे भी स्वास्थ्यकर्मी हैं जो विकलांग हैं, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में कोविड महामारी के इस दौर में बाकायदा चिकित्सा सेवा सम्मान इनको दिया गया, लेकिन आज ये अपनी इसी सेवा के बहाली के लिए, अपने समायोजन के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये सम्मान मीना जी आपको दिया गया था, आज ये नौबत आ गई है, क्या लगा था कभी ऐसा भी होगा? नहीं सोचा था, हमने अपना घर परिवार छोड़ के समान सेवा की थी, हमें नहीं मालूम था ये रोड पे खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन आज ये स्थिति आई है। हम डिग्री होल्डर हैं, सब डिप्लोमा हैं, हम एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा, कारण हमें चाहिए सरकार से। क्या स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे हैं बैठी हुई है, क्या स्थिति है परिवार का? हम लोग छोटे बच्चे लेके ड्यूटी किए हैं 4 साल से, अपना घर परिवार नहीं देखे, बच्चा नहीं देखा, घर नहीं देखा, सबको छोड़ छाड़ के ड्यूटी किए हैं, आज हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं और झूठा आश्वासन दे रहा है डीएम और सीएमओ, बोल रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आज हम लिखित आदेश लेके ही जाएंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमें यहाँ ब्रजेश पाठक, माननीय ब्रजेश पाठक से लिखित आदेश चाहिए, झूठा आश्वासन नहीं चाहिए हमें। कहानी इन तमाम स्वास्थ्यकर्मियों की, आप देखिए एक विकलांग स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, ये हैं भी यहाँ बैठे हुए हैं, एटा से आए हैं, ये बताइए किस तरीके से आपने भी सेवाएं दी, क्या आप इस समय लग रहा है चूंकि आपकी स्थिति भी ऐसी है, क्या सर? हम डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, हमने रात में 12-12 बजे जो लोग कोविड ग्रस्त थे उन लोगों की फीडिंग की और आज 31 जुलाई के बाद 31 जुलाई को हम निकाला जा रहा है। और बोला गया था, जी बताइए, बोला गया था, योगी जी ने बोला था कि जो 100 दिन कोविड में ड्यूटी कर लेगा उसको परमानेंट कर दिया जाएगा और उन्होंने अभी तक अपने बात से मुकर जा रहे हैं और हमको एनएचएम के तहत समायोजन करें, हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ।
बिल्कुल, समायोजन की बात हो रही है और आप देखिए किस तरीके से तमाम जितने ये स्वास्थ्यकर्मी हैं वो बैठे हुए हैं, हाथों में तख्ती हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो तस्वीर कोविड महामारी के दौरान थी। और आप देखिए कैसे जिन पीड़ितों को, जिन मृतकों को कोई छूना नहीं चाहता था, उनकी सेवा की, उनका अंतिम संस्कार और तमाम चीज़ों को किया गया, लेकिन आज यही स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं और हाथों में समायोजन के वादे, समायोजन का दावा जो स्वास्थ्य किया था उसको लेकर के धरने पर स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के ठीक सामने बैठे ये तमाम महिला, ये तमाम पुरुष जो स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर पिछले 4 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन आज इनके हालात ये हैं कि उनकी सेवाएं 31 जुलाई को ख़त्म कर दी गई और उसके बाद में अब अपनी बहाली और अपने समायोजन की मांग के लिए धरने पर बैठने की नौबत में है। डॉक्टर से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।